लास्ट में एक बात और बता दूं आपको कि उनका बर्थडे और मेरा बर्थडे सेम डेट आता है, क्या 27 दिसंबर। मैंने पहले ही पता कर रखा कि मैं अपने मम्मी को और अपने शौक को छोड़ के जाता नहीं। कैसे मैं दुबई भी जाता हूँ ना 15 दिन के लिए 5 दिन के लिए, तो मेरे को घर की याद बहुत आती है। मैं ये नहीं पहनूंगा तो है ना डॉली के वीडियो कैसे वायरल होंगे। क्या बात है, क्या बात है। डॉली भाई कैसे हो? बहुत ही बढ़िया हूँ। हमको चाय कब पिला रहे हो? चाय कब पिला रहे हो? आप जब बोले तब पिलाऊंगा। आप बोले तो मैं बिग बॉस की चाय टेस्ट की थी अभी तक तो नहीं, क्योंकि आज ही आया हूँ मैं। भाई गाड़ी बंद कर भाई, थोड़ा पीछे चलो ना भाई लोग। इधर देखिए, हमको चाय कब पिला रहे हो? अरे क्या क्या बना दो भाई, मीडिया वाले के साथ भी सेशन हो जाए चाय वाला। बिल्कुल हो जाए, जैसे बिल गेट्स के साथ हुआ। अब क्या करें, नसीब था मिल गया मौका। लेकिन आपने सोचा था कभी कि बिल गेट्स आएंगे आपके? बिल्कुल नहीं। इधर देखो, बोलो सर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोलिए, आप बोलिए, सामने देखिए, आप भी सर इधर आ जाइए। आप इधर आ जाइए, भाई आ जाइए। डोली जी का आजकल इधर देखना पड़ता है, इधर देखना पड़ता है, आप सामने देखिए। और वो एक नसीब था मेरा वाला, जो मेरे को उनका मौका मिला चाय पिलाने का। क्या बात, और तभी से मेरा गुड लक चालू हो गया था हैदराबाद से। तो इस बार सलमान को चाय पिलाने के आए हैं नहीं? आप जैसे समझ जाइए, क्योंकि आया तो मैं बिग बॉस में, मैं चाहता हूँ कि सर को भी चाय पिलाई हो। ऐसा है, मुलाकात हुई सर से? अभी तक सुनी नहीं। उनके भाई से मुलाकात एक बार हो चुकी है, वो काफी वायरल आपने देखा हो। तो पहली मीट में क्या बोलेंगे आप सलमान को? मैं कहूँगा सर, मैंने कभी चाहा नहीं था, मौका नहीं मिला था हो ना कि मैं आपके बिग बॉस में आऊँगा करके, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है बिग बॉस में आके। और बस वो एक चेहरे पे अलग ही खुशी आती है बोलते। पिछली बार मैं मालदीप में गया था, उनके छोटे भैया से मिला था, और इस बार तो मैं डायरेक्ट सलमान खान से मिल रहा हूँ। और मैं खास करके एक बात और बता दूँ आपको कि उनका बर्थडे और मेरा बर्थडे सेम डेट आता है। क्या 27 दिसंबर। बिग बॉस देख रहे हो आप? हाँ जी हाँ। कौन अच्छा लग रहा है, कौन सही खेल रहा है? अभी तक तो डिसाइड नहीं किया हूँ, ऐसा किसी एक का नाम लूंगा तो दूसरे से बुरा लगेगा, इसलिए तो अभी तक नहीं डिसाइड। लेकिन किससे बात करने वाले हैं? देखते हैं। अगर आपको पहले चाय किसको पिलाओगे? बिग बॉस के कंटेस्टेंट से बात करने का, उन्हें कुछ बताने का, तो आप उन्हें क्या बताओगे, क्या एडवाइस दोगे कि आप किस तरीके से दिख रहे हो? मैं तो सबसे पहले ये बोलूंगा कि लड़ाई मत करो, क्योंकि वहाँ तो सबसे ज्यादा लड़ाई करते हैं। तो बोलूंगा जितना शांत रहोगे उतना ही अच्छा रहता है। बोले सर, आप क्यों नहीं आए बिग बॉस में? देखिए, मैं दोनों पहले ही पता कर रखा कि मैं अपने मम्मी को और अपने शौक को छोड़ के जाता नहीं। कैसे मैं दुबई भी जाता हूँ ना 15 दिन के लिए 5 दिन के लिए, तो मेरे को घर की याद बहुत आती है। ऐसा था, इसलिए मैंने डायरेक्ट बोल दिया था सर मेरे को वापस नहीं जाएगा। यानी कि आप फ्यूचर में भी अभी नहीं जाएंगे? जाएंगे, अभी थोड़ा समय है, अभी तो स्टार्टिंग किया है हमने। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच गाइस। वेट वेट वेट, नाइस चश्मा आपका, इधर सही, इधर थोड़ा एक बार लुक हो जाए। डॉली सर चश्मा मस्त है। भाई ये नहीं पहनूंगा तो है ना डॉली के वीडियो कैसे वायरल होंगे? क्या बात है, क्या बात है। भाई यहाँ देखिए, जो भी करते हैं सब अच्छे के लिए करते हैं, और मेरे वजह से किसी का फायदा हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। क्या बात है, आपका इंस्टाग्राम पे मीम भी बहुत ज्यादा बनता है, उसको कैसा देखते हो? देखिए हमारे भाई राहुल सारा का सारा हैंडल यही करते हैं। अच्छा जी हाँ, बिल्कुल मेरे को जहाँ जहाँ जाने जाने के लिए मिलते तो ये फिक्स करके मैं निकल पड़ता हूँ। लेकिन कभी कभी ना ऐसा ट्रोल भी करते हैं, तारीफ भी करते हैं और ट्रोल भी करते हैं, ट्रोलिंग को आप कैसे देखते हैं? मैं तो कुछ नहीं बोल सकता हूँ ना, ये सब पब्लिक के छत में, बस अपने को चल रहा है चलने देते हैं। एक बार आपके टपरी पे कोई चाय वो फोटो निकालने आया था आपका फ्रेंड, आपने मना कर दिया था। देखिए सडनली एकदम से मना कोई नहीं करता है। अब कैसे, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, जैसे अभी मेरे सामने है ना गेस्ट यानी कस्टमर है खड़े हैं। अब उनको मैं चाय दूँ कि इनको फोटो दूँ? क्योंकि मैं चाय पिलाऊंगा तो मेरा घर चलेगा। क्या बोलते हैं, काम करना बहुत अच्छा लगता है, उसमें कैसे थोड़ा समय भी मिल जाता है, पता नहीं चलता। कभी हाइजीन को लेकर ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ कि आप ऐसे चाय बनाते हैं जीप को लगाकर टंग को? पर असल में वो मैं लगाता नहीं, क्योंकि मैं तो इतना ये नहीं हूँ कि किसी भाई लोगों को अपनी झुकी चाय पिलाऊंगा, उनके पैकेट को लगाऊंगा। ऐसा है, अपने को पता चलता है कि इसके अंदर नहीं था, क्या रखना पड़ता है। बस मैं अपने थोड़ा सा स्टाइल की वजह से
काम कर लेता हूँ। लेकिन आप जिस तरह वायरल हुए बनाते, वैसे सूरत में, गुजरात, दिल्ली बहुत लोग ट्राई कर रहे वायरल होने, उन लोगों के बारे में क्या बोलना चाहोगे? देखिए ये बहुत अच्छी बात है ना, मैं तो चाहता हूँ कि भाई ना आप दिन भर है ना, एक दिन में नहीं आप रातों रात वायरल हो जाओ। हाँ। बिल्कुल, अगर आप मेरे को कॉपी करके वायरल हो रहे तो और अच्छी बात है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।